इदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणोमहासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं यशोकवन्नी जनकात्मजाय आहदाय तेनेव ददाहलङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम लोग भगवान राम के द्वारा हनुमान जी को जो उपदेश दिया है, राम गीता से जो प्रसिद्ध है, उसी को लेकर विचार कर रहे। आत्मा को लेके यहाँ विचार चल रहा था और ज्ञानी और अज्ञानी का भेद भी बता दिया, ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है ये भी बता दिया। जो बुद्धिमान है, विचारवान है, चिंतक है, शास्त्र का अनुकरण करता है, ये तो देख रहा है ना संसार, उस संसार को केवल आभास मात्र मानता है, वास्तव में है नहीं, केवल प्रतीति होता है। किंतु मंदा बुद्धि है, विचारवान नहीं है, अविवेकी है, विषयासक्त है, वो सच मानता है। और जो भ्रांत चित्त है, जिसका चित्त भ्रमित हो गया, ज्ञान से ग्रसित है, तो ऐसे लोगों को जो कूटस्थ है, निर्गुण है, सर्वव्यापी है, स्वभावतः चैतन्य स्वभाव आत्मतत्व होने पर भी उनको पदार्थ जैसा भान होता है, एक पदार्थ विशेष मानते हो, द्रव्य विशेष मानते हैं, ज्ञान स्वरूप नहीं मानते हैं, चैतन्य स्वरूप नहीं मानते हैं, वो भी एक वस्तु पदार्थ मानते हैं। तो आगे बता रहे राम जी, वो जो अज्ञानी लोग हैं उनको एक ऐसा भान होता है संसार परमात्म तत्व भ्रांति से कैसा दिखता है, ये बताने जा रहे आगे के श्लोक में। यता संलक्षते व्यक्तः केवलस्फटिको जने
रक्तिका व्यवधानेना तद्वत् परमपुरुषः। यता एन प्रकारेण जिस प्रकार से संलक्ष्यते व्यक्त केवलः का स्फटिको जने यतः जनई जनई का मतलब है लोगों के द्वारा जैसा ज्ञानी लोगों के द्वारा विवेक नहीं किया और विवेक करने के लिए पुरुषत भी नहीं है और यदि पुरुषत भी है थोड़ा बस वो जो अनात्मा का चिंतन में लगे जाते उसी को ही सत्य मान के उसके पीछे घूमते रहते वही मानते रहते। तो इसलिए हम बता रहे हैं जैसे लोग जने व्यक्तः स्फटिको केवला केवलः स्फटिको व्यक्त स्फटिक मणि स्पष्ट है बिल्कुल एकदम सफेद है चमचमा रहे सफेद सत्व का प्रतीक है प्रकाश आर पार होता है उसमें। ऐसी जो स्फटिक मणि है वो स्फटिक मणि भी रक्तिका व्यवधाने ना रक्तिका मतलब लाल पदार्थ कोई जपा कुसुमा हो अथवा और कोई लाल पदार्थ रख दिया जैसे एक कपड़ा है लाल वैसा उसके व्यवधान से तो रक्ति माँ लाली माँ के व्यवधान से अर्थात पदार्थ के संसर्ग से संबंध हो गया लाली माँ है उसकी उपाधि स्फटिक के साथ संबंध हो गया तो उससे क्या हो रहे रक्तिमा व्यवधाने ना स्फटिक भी क्या दिख रहे आपको लाल जैसे व्यक्ति दिखता है लाल स्फटिक है और अज्ञानी बच्चा कहेंगे अरे अरे देखो हाँ लाल है वहाँ पद्मरागमणि चमक रहे पद्मरागमणि हो रही है क्योंकि पद्मरागमणि भी वैसे लाल रंग की ही चमकती है वैसे ही यहाँ भान होता है पद्मरागमणि के समान। अच्छा वहाँ थोड़ा विचार कीजिए स्फटिक है एक और दूसरा क्या है लालिमा है दोनों का संसर्ग हो गया दोनों का संसर्ग होने से देखने वाला जो व्यक्ति है उसके मन में एक बुद्धि बन गई क्या पद्मरागमणि ये बुद्धि बन गई उसके बाद वहाँ शब्द भी प्रयोग करे तो पद्मरागमणि है तो इसलिए यहाँ शब्द पद्मराग ये शब्द और पद्मराग बुद्धि ये दोनों का संयोग से हुआ। अच्छा वो दोनों अलग हो गया पद्मराग शब्द और बुद्धि अलग हो गया वहाँ केवल स्फटिक ही दिखेगा और पुष्प ज्यादा से तो ऐसे ही हम बता रहे उसके संसर्ग से उसके तादात्म्य से सफेद है वो भी लाल दिखने लगता है। उसी प्रकार तद्वत् परम पुरुषः उसी प्रकार परमात्मा के प्रति भी भ्रांति रहती है। तद्वत् परम पुरुषः परम पुरुष बोल दो परमात्मा पुरुष एव पुरुषः कोई पुरुष कोई अलग नहीं है पूर पूर करता है करके वायन प्रदानिक में आत्मानं चेर्विजानीयात् अयमस्मीति पुरुषः देखिए वहाँ भी अयमस्मीति पुरुषः पुरुष बोल तो पुरुष एव पुरुष पुरुष क्यों कहा दे उसको ये जो लोक में जो पुरुष है स्त्री बोल रहे वो अर्थ नहीं है वहाँ वहाँ जो पुरुष का मतलब है
पूर्णत्वात् इति पुरुषः एक और अनात्मा पूर्यते येना, जो अनात्मा पदार्थ है शरीर आदि है जिससे पूर्ण जैसा भान होते हैं, सत्य जैसा भान होते हैं, इसलिए पुरुष है। अथवा पूरी शरीरे शयनादिति पुरुषः, पूरी का मतलब शरीर, शरीर में शयन करने से, शरीर में रहने से भी वो पुरुष है। वो पुरुषार्थ लेना, लोक प्रसिद्ध पुरुष नहीं लेना। और वो कैसे है यहाँ बता रहे परम पुरुषः, क्योंकि परम पुरुष इसलिए बता दिया, यदि केवल आप पुरुष ही कहते हो, क्योंकि आप गीता पढ़े हैं जानते हैं, द्वा विमो पुरुषो लोके, दो पुरुष है ना, क्षर और अक्षर, वो भी पुरुष हैं, और आदित्य मंडल अंतर्गत पुरुष है, वहाँ भी एक पुरुष पड़ा है। तो इसलिए आदित्य मंडल अंतर्गत पुरुष है, हिरण्यगर्भ है, वो मुख्य पुरुष नहीं है। क्षर और अक्षर बता दिया था, वो भी मुख्य पुरुष नहीं है, एक कारण और एक कार्य है वो, और कुछ नहीं है। वहाँ पुरुष क्यों कहा दिया, पुरुष की दो उपाधि है, कारण उपाधि है, कार्य उपाधि, तो इसलिए वहाँ पुरुष कहा दिया, किंतु मुख्य पुरुष नहीं। इन सबको व्यावृत्त करने के लिए यहाँ कहा दिया परम पुरुष। अतः परम पुरुष है परमात्म तत्व, उस परमात्म तत्व के प्रति भी भ्रांति रहती है, उस परमात्म तत्व को वो जीव मान के बैठते हैं, जन्म मृत्यु मानते हैं, व्यापक है, नित्य है, निरंजन है, निर्गुण है, कूटस्थ है, सर्वत्र है, विद्यमान है, आकाशवत सर्वगतम, श्रुति बोल रहे, किंतु क्या करे, आपकी बुद्धि परिच्छिन्न है, तो बुद्धि परिच्छिन्न होने से आपने उसको परिच्छिन्न बना दिया, और जो आपने पकड़ दिया बस यही परमात्मा है, दूसरा परमात्मा नहीं। जो आप आराधना कर रहे छोटा सा मान लिया उसको भगवान, ठीक अच्छी बात है मानो, किंतु ये भी सोचो आपका परमात्मा कोई एक देश नहीं, आपका परमात्मा तो व्यापक है ना। अच्छा यदि व्यापक है तो सबके अंदर नहीं है क्या, जैसा आप गए मंदिर दर्शन करने के लिए, क्यों भगवान का दर्शन करने गए ना। अच्छा भगवान का दर्शन किया मंदिर में ही रहते, ठीक है, शास्त्र बता रहे, महापुरुष बता रहे, कोई आपत्ति नहीं, किंतु ये भी आपको स्मरण होना चाहिए, मेरा जो भगवान सर्वत्र है, और भगवान का जो वचन आपको मानना पड़ेगा, जितना संभव है बिना कारण से कोई किसी को दुख ना दे, किंतु आप जाते हैं मंदिर में, झगड़ा भी करते, कभी कभी इतना झगड़ा होता है बस, आप भगवान को भगवान का दर्शन करने भूल गए, वहाँ पहुँच गए झगड़ा करने के लिए, ऐसा मालूम पड़ता है। क्या जिसके अंदर जो आप झगड़ा कर रहे वहाँ भगवान नहीं है क्या, वहाँ भी है। तो इसलिए भगवान सर्वत्र है, अपने बुद्धि को परिचिन्न है, उसको परिचिन्नता मत रहने दो। ठीक है पहले से पड़ी है परिचिन्नता, किंतु उस परिचिन्नता को हटाने के लिए प्रयत्न करो। महापुरुष बता रहे, शास्त्र बता रहे, भगवान स्वयं बता रहे,
उसको मानो। ठीक है, बुद्धि में अमल नहीं होता है। अरे अमल नहीं होता है, उसको उतारने का प्रयास करना चाहिए ना। प्रयास तो कर सकते, यदि प्रयास करेंगे तो, पुरुषार्थ करेंगे तो अवश्य फल मिलेगा, ऐसा नहीं। तो कहने का मतलब, वो पुरुष है, सर्वत्र है, व्यापक है, वो कोई व्यक्ति विशेष नहीं, स्थान विशेष नहीं, कोई देश विशेष नहीं, सर्वत्र रहता है। किंतु क्या करे, ये भ्रांति है, मोह है, अविवेक है, विचार नहीं है। उस परमात्मा को भी हमारे जैसा एक जीव बना दिया, स्वयं को पहले जीव बनाए तो परमात्मा को क्या करेंगे, एक बड़ा जीव बना दिया। तो इसलिए बता रहे राम जी, उसी प्रकार परमात्मा के प्रति भी तद्वत भ्रांति रहती है, अर्थात परमात्मा के विषय में नाना भ्रांति है। इसलिए मुमुक्षु लोग है, विचारक है, वो श्रुति के आलम्बन करते हुए, श्रुति में बताया हुआ वचन के अनुसार ही उस तत्व को जानने के लिए प्रयत्न करते हैं। राम जी भी ये बता रहे, उसको ही अनुसंधान करना चाहिए, इनको महापुरुषों को एक प्रकार का आदेश जैसे दे रहे हैं। आगे के श्लोक में तस्मादात्मक्षरा शुद्धो नित्यः सर्वगतो व्यया उपासितव्यो मन्तव्या रोदव्यश्चा मुमुक्षु विहे। हे हनुमान जी, तस्मात्, इसलिए किसलिए भ्रांति ना हो, उस भ्रांति के द्वारा व्यापक परमात्मा को परिच्छिन्न मत बनाओ। इसलिए तस्मात्, आत्मा कैसा है, इसलिए जो आत्मा है वो अव्यय है, शुद्ध है। सबसे पहले बता रहे वो आत्मा कोई परिच्छिन्न नहीं है। अक्षरः, वो अक्षर है। अक्षर का मतलब वो अक्षर नहीं है संस्कृत में अ ऐ उन रिल रिक ए वों, ये अक्षर नहीं लेना। वो लिखे रहता है ना, वो अक्षर भी नहीं है, वो तो लिपि है। लिपि उससे बोध होता है, लिपि से अ ई उ करके, वो अक्षर नहीं लेना। यहाँ अक्षर का मतलब है, पहले अक्षर में क्षर क्या है वो समझे। क्षरत्वम विनाशित्वम, क्षर का मतलब है विनाशी, नाशवान, जो नष्ट होता है, आज है कल रहेगा ये पता नहीं, ये नाशवान है। तो नाशवान पदार्थ है उसको क्षर कहते हैं। तो संसार में कौन सा पदार्थ है जो नित्य है, कोई है? सब नाशवान है। और न क्षरति इति अक्षरा, कभी क्षर नहीं होता है, कभी च्युत नहीं होता है, कभी अभाव नहीं होता है, वो अक्षर है। ये जो अक्षर है, गीता में बताया हुआ अक्षर नहीं लेना यहाँ, अथवा मुंडक में अक्षरात् परतः परा, जो बड़ा अक्षर से भी वो पर है, वो अक्षर नहीं लेना है। किंतु यहाँ जो अक्षर शब्द बता रहे भगवान राम जी, ये तो शुक्ल यजुर्वेद में बताया हुआ जो अक्षर ब्राह्मण है, उसमें जो अक्षर आ गया, जो गार्गी ने प्रश्न किया था, क्योंकि राजा जनक के वहाँ बहुत बड़ी सभा लगी थी,
एक से एक बड़े बड़े विद्वान, ब्रह्मविद पुरुष, ब्राह्मण उपस्थित थे। जिज्ञासु है राजा, जानने के इच्छा से उन्होंने एक उपाय खोजा था, गाय रखी थी और प्रतिज्ञा किया जो विद्वान है ये गाय ले जाइए। याज्ञवल्क्य अपना शिष्य को आदेश दिया था ले जाओ करके। उसके बाद बस एक के बाद एक, एक के बाद एक याज्ञवल्क्य से प्रश्न करते गए, प्रश्न करते गए। उसी समय में एक विदुषी गार्गी थी, गर्ग गोत्र में उत्पन्न हुआ, वह चक्कुन की पुत्री। उन्होंने एक बार प्रश्न किया था, तर्क करते गई, तर्क करते गई, स्वभाव होता है किसी किसी का। याज्ञवल्क्य ने डांट दिया, हे देखो तर्क करने से कोई काम नहीं होता है, जो शास्त्र गम्य है वो तर्क से जानना चाहते हो। चुप हो गए। दोबारा खड़े होकर उन्होंने कहा, सभी से प्रार्थना करते हुए, मैं याज्ञवल्क्य से दो प्रश्न करना चाहती हूँ, दो ही प्रश्न, ज़्यादा नहीं, अंतिम प्रश्न है इसका। यदि कोई इन्होंने उत्तर दे दिया, इस सभा में याज्ञवल्क्य को परास्त करने वाले कोई नहीं। हे ब्राह्मणों कान खोल के सुनो, सारे बोरी बिस्तर बांध करके यहाँ से चल जाइए, याज्ञवल्क्य से पंगा नहीं लेना, इसका उत्तर देने वाला। सभी ब्राह्मण ने कहा, पूछो गार्गी, पृच्छा गार्गी, पूछा था उन्होंने। प्रथम प्रश्न था वहाँ, ये जो हम व्यवहार कर रहे हैं नाम रूपात्मक जगत स्थूल, वो जो जिसमें वो तप्रोत है, मतलब सूत्रात्मा में, वो जो सूत्र आत्मा किसमें वो तप्रोत है, उसका आश्रय कौन है? तो याज्ञवल्क्य ने कहा, आकाश वही गार्गी, गार्गी वो आकाश है। आकाश का मतलब यहाँ भूताकाश नहीं लेना, ना चित्ताकाश, चिदाकाश लेना। जैसा ईशावास्य में मातरिश्वा कह दिया था, तस्मिन्न वो मातरिश्व ददाती, वो मातरिश्व है, मातरिश्व नहीं मातरी, मातरिश्व तो हिरण्यगर्भ हो गया, मातरी, मातरी कहते आकाश। तो गार्गी ने कहा, अरे महापुरुष आप तो प्रणम्य आए, क्योंकि आपने ऐसा उत्तर दिया, इतना कठिन प्रश्न है, आप खेलते खेलते बस ऐसा उत्तर दिया, इसलिए प्रणाम है। सावधान, मैं दूसरे प्रश्न करने जा रही हूँ। तो पूछा था उन्होंने, ये सारा जगत जिसमें वो तप्रोत है सूत्रात्मा में, वो सूत्रात्मा आकाश में वो तप्रोत है, आकाश किसमें वो तप्रोत है? तो वहाँ याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, हे गार्गी, ये जो आकाश संज्ञक जो ईश्वर है, कारण ब्रह्म है, नियामक है, वो तो अक्षर ब्रह्म में वो तप्रोत है, अक्षर में। उसके बाद वह अक्षर का लक्षण बता दिया, अस्तूलम अनणु अरस्व करके, वो स्थूल भी नहीं है, अणु भी नहीं है, दीर्घ भी नहीं है, रस्व भी नहीं है, चारों परिमाणों से रहित है, वो अक्षर बता दिया। निषेध के द्वारा बता दिया था वहाँ, विधि के द्वारा नहीं। ये चार जो परिमाण होते हैं द्रव्यगत है, तो चारों परिमाणों से रहित मतलब वो द्रव्य नहीं है, पदार्थ नहीं, वो अक्षर है, वो चैतन्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, उसी को यहाँ संकेत कर रहे, वो अक्षर है। और कैसा है? शुद्ध, शुद्ध है। ठीक है, अशुद्ध होता है किससे? जो गुणों से युक्त है उनके साथ संबंध होने से अशुद्ध होता है। जितने अधिक गुण हैं
वो अधिक अशुद्ध करता है, परंतु लोक में अच्छा है जितने अधिक गुण है वो प्रसिद्ध हो जाता है, किंतु शास्त्र के दृष्टि से जितने अशुद्ध जितने गुण हैं वो अशुद्ध ज़्यादा करता है। जैसा पृथ्वी में पांचों गुण हैं, मिट्टी से ज़्यादा अशुद्ध होती, जल में देखे चार गुण है उससे थोड़ा कम, अग्नि में तीन गुण और भी कम, वायु में दो गुण और कम, आकाश से एक गुण उससे होता ही नहीं। तो गाने का मतलब है वो शुद्ध है, उसमें कोई भी गुण नहीं है, निर्गुण है, गुणातीत है वो, न सत्व गुण है न रजोगुण है न तमोगुण है, उससे परे है वो, बिल्कुल शुद्ध है। बृहदारण्यकमेका सलिलवत्, जल के समान एकदम शुद्ध है। और कैसे नित्य है वो, नित्य का मतलब सदा सनातन है वो, आज भी है कल भी रहेंगे आगे भी रहेंगे पहले भी था, इसलिए नित्य है सनातन है। संसार में जिन पदार्थों को नित्य माना है ये अपेक्षाकृत नित्य, पृथ्वी के अपेक्षा जल को नित्य माना है कारण होने से, जल के अपेक्षा अग्नि जल का कारण है, अग्नि के अपेक्षा वायु कारण है, वायु का कारण आकाश, उसको नित्य माना है। किंतु आकाश भी अंततः जाके महाप्रलय में आकाश भी नहीं रहता है, भूत आकाश नहीं रहता है, वहाँ चिदाकाश रहता है, इसलिए वो नित्य है। देशता कालता वस्तुता किसी में भी परिचिन्न नहीं, अभाव नहीं उसका, और सर्वगता मतलब सर्वव्यापी, सर्वत्र विद्यमान आकाशवत, उसका अभाव कहाँ भी नहीं होगा, सभी जगह में विद्यमान है, सर्वत्र है, सर्वव्यापी है। और अव्यया, वो अक्षर का ही दूसरा अर्थ है अव्यया, व्यय से रहित है, खर्चा नहीं होता है, वो समाप्त नहीं होता है। देखिए व्यय होता है सवयव पदार्थ, व्यय होता है परिचिन्न पदार्थ, व्यय होता है साध्य, आत्म परिचिन्न भी नहीं है, सवयव भी नहीं है, इसलिए वो व्यय से रहित है, अव्यय है। ऐसा जो अव्यय है आत्मतत्व का ही, ये सब आत्मा का विशेषण है, आत्मा जो आत्मा कैसा है, अक्षर है, शुद्ध है, नित्य है, सर्वगत है, अव्यय है, उस आत्मा का ही उपासितव्यो। यहाँ उपासना का मतलब है चिंतन करना, उसका चिंतन करना, ना तो ये जो उपासना है वैसा उपासना अर्थ नहीं, जैसा प्राधान्य में आत्मैति उपासिता, ये विद्या सूत्र है, अर्थात आत्मा का अनुसंधान करो, आत्मा का चिंतन करो, ये उपासना का मतलब। तो उस आत्मा के इस प्रकार आत्मा का चिंतन करो, अतः चिंतन करना चाहिए, और मंतव्या श्रोतव्या का मुमुक्षु भी, चिंतन है मनन है, जो श्रवण किया था उसका मनन करना चाहिए, उसी को ही बृहदारण्यक में मनन का नाम बाल्या कहा दिया है, श्रवण को पांडित्य कहा दिया है, मनन को बाल्य कहा दिया है, और निधिध्यासन को मौन कहा दिया है बृहदारण्यक में। तो इसलिए यहाँ मंतभ्या मनन, श्रवण करने से नहीं होता है, श्रवण करना बहुत अच्छी बात है, श्रवण करना चाहिए, श्रवण करने से, श्रवण का मतलब केवल सुनना मात्र नहीं, उपक्रम उपसंवाद आदि के द्वारा अर्थ के सहित श्रवण करना,
षडलिंगों के सहित। तो श्रवण से क्या होता है, प्रमाणगत दोष है ये निवृत्त होता है। प्रमाण में कोई भी दोष है वो निवृत्त होता है। और जो सुना है आपने उसमें अनेक प्रकार के पूरा पक्षी आते हैं, उसके लिए आपको मनन करना पड़ेगा युक्ति प्रत्युक्ति के द्वारा। तो मनन के द्वारा प्रमेय में जो दोष है वो निवृत्त होता है। इसलिए बोले मंतव्य श्रोतव्य मनन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। अभी देखिए मनन के बाद श्रवण क्यों होता है, इसलिए ये यहाँ श्लोक में बता दिया। जैसा वहाँ आता है बृहदारण्यक में मैत्रेय ब्राह्मण में, मैत्रेय यज्ञवल्क्य की गृहलक्ष्मी थी, पत्नी थी बड़की, और दूसरी छोटी थी कात्यायनी। यज्ञवल्क्य को आश्रम छोड़ के चतुर्थ आश्रम में प्रवेश करना था, अनुमति मांगा। तभी मैत्रेय ने कहा अरे आप ये मुझे धन दे रहे हैं ना, क्या इससे मैं अमर हो सकती हूँ? याज्ञवल्क्य ने कहा अरे मैत्रेयी, धन से कोई अमर हो सकते हैं क्या? अभी तक कोई हुए नहीं, ना होंगे ना होने वाले। हाँ इतना मैं कह सकता हूँ, जैसा कोई धनवान व्यक्ति आराम से अपना जीवन कुछ समय तक व्यतीत कर सकता है, बस इतना ही, वो कब तक है ये भी नहीं। तो मैत्रेय ने कहा भगवान यदि ऐसी बात है तो ये जो धन से मैं अमर नहीं हो सकती, तो धन मेरे के लिए, मुझे धन से मैं क्या करूं? मुझे जो आप अमरत्व का साधन बता दीजिए, ये प्रार्थना किया था। तो उसके लिए वहाँ पहले वैराग्य का निरूपण किया, संसार में जो भी प्रेम करते हैं अपने के लिए, आत्मा के लिए, दूसरे के लिए। उसके बाद वहाँ बताया आत्मबारे द्रष्टव्या श्रोतव्या मंतव्या निधिध्याशितव्या। हे मैत्रेयी, आत्मबारे द्रष्टव्या, आत्मा को देखना, अनुभव करना, श्रवण करो, मनन करना चाहिए, निधिध्यासन करना चाहिए। अभी वहाँ आया है, वहाँ पहले देखो, वहाँ भी थोड़ा व्यतिक्रम किया है। पहले द्रष्टव्य कहा दिया, उसके बाद श्रोतव्य मंतव्य निधि, आगे ठीक है। अच्छा आत्म को यदि आपने देख लिया, आत्मा का अनुभव किया, आत्मा साक्षात्कार हो गया, बाद में काय के लिए श्रवण आवश्यक था क्या? मनन काय के लिए, निधि व्यासन काय के लिए? जो भी आप श्रवण मनन निधिध्यासन करते हो वो तो आत्मा को देखने के लिए, अनुभव करने के लिए। इसलिए वहाँ एक नियम लगा दिया मीमांसकों का, दो होता है, एक पाठ क्रम होता है, एक अर्थ क्रम होता है। पाठ जैसा पढ़ा है, जैसा वहाँ आत्मवारे द्रष्टव्या श्रोतव्या मंतव्या निध्यासितव्या, ये पाठ क्रम है। किंतु अर्थ क्रम के अनुसार आपको पहले आत्मवारे श्रोतव्या मंतव्या निध्यासितव्या अनंतरा द्रष्टव्या, ये करना पड़ता अर्थ क्रम, क्योंकि पाठक्रमाद अर्थक्रमावलियसी ये नियम है। जैसे मीमांसा में आता है अग्निहोत्रम जुया यवा, अग्निहोत्रम जुहोती यवा गोपचति, अग्निहोत्र हवन करता है अग्निहोत्र आदि का, बाद में यवा गु को पकाता है। अरे अग्निहोत्र का हवन हो गया तो यवा गु का कहते लपसी, क्यों पका रहे? खाने के लिए? खाने के लिए नहीं है वहाँ, हवन के लिए।
अच्छा हवन ही हो गया उसके बाद पकाने की क्या आवश्यकता है? इसलिए पहले यवागु को पकाता है उसके बाद हवन करता है। लोक में भी होता है, दूर से कोई आया, अरे भोजन करो, उसके बाद भोजन करो कह देते हैं, अरे अभी भोजन बनाओ, बनाना पड़ेगा तो बनाओ। अच्छा भोजन करो उसके बाद भोजन बनाओ क्यों? पहले भोजन बनाओ उसके बाद भोजन करो, ये पाठ क्रम की अपेक्षा अर्थ क्रम बलवान माना जाता है। वैसे ही यहाँ मंतव्य के बाद श्रोतव्य बोल रहे हैं, किंतु अर्थ करते समय पहले श्रोतव्य मंतव्य उसके बाद उपासितव्य का मतलब है, यहाँ उपासना का मतलब निधिध्यासन, निधिध्यासन करो तभी जाके आत्मवारे द्रष्टव्य, उस आत्मा को देखना चाहिए, उसका अनुसंधान करना चाहिए, उसको देखना चाहिए, उसका अनुभव करना चाहिए। किनको? मुमुक्षु भी, मुमुक्षु लोगों को। तो निचोड़ अर्थ हो गया, जो मुमुक्षु है संसार से निवृत्त होना चाहते हैं उनके लिए, जो अक्षर है, शुद्ध है, सनातन है, सर्वव्यापी है, अव्यय है, ऐसा आत्मतत्व का पहले श्रवण मनन और चिंतन करना चाहिए। कौन बता रहे? राम जी बता रहे हनुमान जी को। किंतु कहेंगे हम राम जी को मानते हैं, राम जी का वचन नहीं मानते। अरे राम जी को क्या मानना है? भगवान कृष्ण को मानते हैं, उनका वचन नहीं मानते। गुरु जी को मानते हैं, गुरु जी का वचन नहीं मानते। माता पिता को मैं खूब मानता हूँ किंतु उनका बात नहीं सुनता हूँ मैं। ये क्या उनकी प्रशंसा कर रहे हैं क्या? अपमान कर रहे हो? ऐसा नहीं, भगवान को यदि मानते हो वो जो बता रहे हैं उनकी बात को भी आपको मानना पड़ेगा, यही मुख्य है। ये बता दिया, आगे बता रहे वो जो इस प्रकार जो आत्मा का चिंतन करने बता दिया। अभी वो आत्मा है, उपलब्धि कैसा होता है, उसका संवेदन कैसा होता है, उसका भान कैसा होता है, ये बताने जा रहे। यदा मनसि चैतन्यं भाति सर्वत्र गम सदा योगिनो व्यवधानेन तदा संपद्यते स्वयं। यदा यदा बोल तो जब, जिस समय में आगे अन्वय योगिनो, योगिनो बोल तो योग साधन के, योग के साधन है उसके द्वारा, योग साधक के, योग का मतलब वो योग नहीं है, यहाँ योग का मतलब है श्रवण मनन निधिध्यासन, यही योग है। इस योग साधन के, तो योगेनु यदा, जब योग साधक के मन में, मनसि, मनसि बोल तो मन में, सप्तमी, चैतन्यं भाति सर्वत्रगम सदा, सदा सर्वव्यापी चैतन्य का ही प्रकाश निरंतर बना रहता है, हर समय केवल चैतन्य का ही भान होने लगता है। यदा कदा नहीं, सर्वत्र हर समय में, कहने का मतलब ज्ञान समाधि, उसको बोलते ज्ञान समाधि। तो उसके मन में हर समय में निरंतर चैतन्य का ही प्रकाश निरंतर बना रहता है, यदा तदा स्वयं संपद्यते, तब उसे आत्मतत्व की उपलब्धि मानी जाती है। कहने का मतलब ये है, जैसा देहात्म बुद्धि हो रही है, शरीर के साथ तादात्म्य हुआ ना देहात्म बुद्धि, और किसी अवस्था में पूछो शरीर भाव में आप अभिमान करते हो,
जैसा शरीर में तादात्म्य होकर देहात्म बुद्धि हो गई, वैसा ही श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा आत्मा में आत्मबुद्धि हो गई तो उसको आत्मा उपलब्धि समझो, आत्मा सर्वत्र उपलब्धि हो गई ऐसा समझो, यही बता रहे। तब उसे उस आत्मतत्व की उपलब्धि होती है। यह एक प्रश्न हो सकता है, अच्छा आत्मतत्व की संपद्यते, भगवान बता रहे उपलब्धि हो रही है। अच्छा उपलब्धि का मतलब क्या है? पहले अनुपलब्धि थी अर्थात उपलब्धि का अभाव था, बाद में आपको प्राप्त हो गए। उपलब्धि मतलब प्राप्ति। आत्मा की उपलब्धि हो गई, आत्मतत्व की प्राप्ति हो गई। अच्छा प्राप्ति किसको कहते? अप्राप्त वस्तु है उसको प्राप्त करना, यही अर्थ है ना। मतलब जो पहले उसका सत्ता नहीं रहता है, पहले उसका अभाव रहता है और उस अभाव को निवृत्त किया, अभाव को हटा दिया, यही प्राप्ति है। अथवा जिस वस्तु का संबंध आपके पास नहीं था, बाद में उसका संबंध हो गया, ये प्राप्ति। जैसा उदाहरण के लिए आपके पास पहले माला नहीं थी, माला का सत्ता आपके पास नहीं था, माला का संबंध आपके पास नहीं था, बाद में संबंध हो गया तो माला की प्राप्ति हो गई। तो अभाव को निवृत्त करना, अभाव को हटाना, ये प्राप्ति। अब यहाँ प्रश्न होता है, क्या आत्मतत्व के पहले अभाव था? मान ली लो यदि अभाव था तो आपका आत्मतत्व तो परिचिन्न हो गया ना, एक देश में रहेगा। तो एक देश में यदि मानते हो अनित्य होने लगेगा, अनित्य मानेंगे तो उस आत्मा को जानने से मोक्ष कहाँ से होगा? संभव नहीं है ना। तो कैसा उपलब्धि, किस प्रकार की प्राप्ति? इसलिए महापुरुषों ने, शास्त्र ने कहा, अरे बाबा हे साधक, प्राप्ति दो प्रकार की होती, अप्राप्ति की प्राप्ति, प्राप्ति की प्राप्ति। अप्राप्ति की प्राप्ति तो बता दी अभी, अभाव हटाना अथवा वस्तु का संबंध जोड़ना, यह अप्राप्ति की प्राप्ति। प्राप्ति की प्राप्ति मतलब है वस्तु तो है किंतु आपके बुद्धि का विषय नहीं बन रहे, आपके स्मरण का विषय नहीं बन रहे, आपका अनुभव का विषय नहीं बन रहे। वस्तु है, क्यों? अज्ञान, अविवेक, उसके कारण से। इसलिए उस अज्ञान को, अविवेक को हटा दीजिए, वो वस्तु आपका बुद्धि का विषय बनेगा, मन का विषय बनेगा। इसको कहते हैं प्राप्तस्य प्राप्ति, अज्ञान को हटाना, अज्ञान की निवृत्ति करना। इसको यहाँ राम जी बता रहे संपद्यते, अर्थात यहाँ आत्मतत्व की उपलब्धि प्राप्ति होती, मतलब अज्ञान निवृत्ति होकर प्राप्तस्य प्राप्ति होती, अप्राप्ति की नहीं। तो आगे बता रहे वो पूर्णतया ब्रह्मरूप कभी होता है, ब्रह्मरूप का अनुभव कभी करता है, उसको बता रहे ईशावास्या आदि जो श्रुति है उसको मूल बनाकर, निमित्त बनाकर बता रहे। यदा सर्वाणि भूतानि स्वात्मन्नेवाभिपश्यते सर्वभूतेषु चात्मानं
ब्रह्म संपद्यते स्वयं। यदा यदा मतलब जिस समय में अथवा जिस अवस्था में अथवा जिस आत्मा में सर्वाणि भूतानि सभी प्राणी सभी पदार्थ चाहे तो जड़ हो या चेतन हो स्थूल हो सूक्ष्म हो तो सभी प्राणी सर्वाणि भूतानि तो सभी प्राणी मतलब पदार्थों को भूतानि बोल तो पदार्थ लेना स्वात्मनि एव अभिपश्यति स्वयं अपने भीतर ही कल्पित है ऐसा देखता है। अरे ये सारे दिख रहे ना नाम रूपात्मक जगत वो कोई अलग नहीं है मेरे अंदर कल्पित है। इस प्रकार स्वयं में देखता है भीतर तो स्वात्मन्येव अभिपश्यति और सर्वभूतेषु चात्माना स्वयं को अपने को सभी प्राणियों में सभी भूतों में देखता है अर्थात सभी में अस्ति भाति प्रिय रूप से मेरा ही आत्मा है ना मैं ही सभी में है ना मेरे से अतिरिक्त कोई है ही नहीं यदि सारा मेरे में कल्पित है मैं सब में अधिष्ठान रूप से अस्थि भाति प्रिय रूप से ओत प्रोत है इसलिए मैं सभी में है तो ये बोल रहे हैं। तो यदा तदा ब्रह्म संपद्यते स्वयं तब वह ब्रह्म स्वरूप हो जाता है अर्थात वास्तव में ब्रह्म तत्व का अनुभव करता है जैसे ईशावास्य में कह दिए यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ईशावास्य जो सर्वाणि भूतानि समस्त प्राणियों को समस्त भूतों को आत्मनि एव अनुपश्यति शास्त्र और गुरु के उपदेश के बाद श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा साक्षात्कार करने के पश्चात आत्मा में ही देखता है। आत्मा में देखने का मतलब है सब आत्मा में अध्यस्त है कल्पित है सर्वभूतेषु और सभी भूतों में सभी प्राणियों में चात्मानम आत्मा को देखता है आत्मा में सब सभी में आत्मा देखता है ततो ना विजुगुप्सते उसके बाद ना विजुगुप्सते मतलब वो कभी अपने की रक्षा करना हो अथवा किसी से घृणा हो नहीं कर सकता है। अच्छा कोई भी रक्षा करने की इच्छा कभी करता है अपने से भिन्न माने तभी है ना सब अपने ही हो गए मेरे से अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं कौन किसके द्वारा रक्षा करे संभव नहीं इसलिए बता रहे सर्वभूतेषु चात्मानं ब्रह्म संपद्यते स्वयं तभी वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है अर्थात ब्रह्म विदाप्नोति परम ब्रह्मविद है वो परतत्व को जानता है तभी संभव है। तो उसी को ही आगे भी बता रहे देखिए यदा सर्वाणि भूतानि स्वात्मन्नेवाभिपश्यति एकीभूत परेणासु तदा भवति केवला हे हनुमान जब वह जो साधक मुमुक्षु तत्ववित पुरुष अन्य प्राणी अर्थात पदार्थों को व्यवहार काल में जो अलग दिख रहे थे भिन्न दिख रहे थे उन सब पदार्थों को अपने भीतर ही देखता है
विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी, वहाँ बता दिया है सारा विश्व आपके अंदर है, बाहर प्रतीति होता है जैसे स्वप्न में। अच्छा सारे स्वप्न कहाँ देख रहे आप, कोई बाहर देखते हैं क्या? बाहर तो नहीं देख रहे, अंदर ही देख रहे, अंदर ही हाथी देख रहे हैं, अंदर ही घोड़े देख रहे हैं, अंदर ही तालाब देख रहे हैं, किंतु अंदर होने पर आपको प्रतीति होते हैं मैं बाहर देख रहा हूँ। सो ये है आप मुंबई में घूम रहे हैं, हरिद्वार में, काशी में, बाहर जैसा प्रतीति होता है। इसलिए हम बता रहे हैं जब अन्य प्राणी पदार्थों को अभी तक वो बाहर देख रहा था, क्योंकि परांचखानी वितरण स्वयं वो तस्मात् परान पश्यति नान्तरात्मान। परमात्मा ने ऐसे ही बनाए इंद्रियों को, बहिर्मुख बना दिया, इसलिए बाहर ही जाती वो। जैसा नदी का बहाव है ना, नीचे की ओर बहा जाता है, तो वैसे ही अज्ञान अवस्था में, भेद अवस्था में, अविवेक अवस्था में सारे पदार्थों को बाहर देखता है और अपने से अलग सत्ता देखता है। ये मेरे से भिन्न है, इनका सत्ता अलग है, ये देखता है। किंतु जिस समय में ये सारे पदार्थ, सारे प्राणी अपने भीतर ही देखता है, अरे ये तो बाहर तो है ही नहीं, बाहर दिख रहे है तो मेरे अंदर है ना, तो इसलिए बोल यदा सर्वाणि भूतानि स्वात्मनि एव अभिपश्यति। स्वात्मनि बोल दो अपने आत्मा के अंदर, अपने स्वरूप में अभिपश्यति देखता है। एकीभूत परेणासु तदा भवति केवला, तब अन्य की सत्ता से रहित। अभी तक तो अन्य सत्ता मान रहा था ना, अपने से भिन्न है, विषयों का सत्ता है, और आत्मा में देखने लग गया तो अन्य की सत्ता से रहित और बाह्य कोई सत्ता नहीं है, परमात्मा से एकीभूत हुआ। क्योंकि तत्पद और तुम पद का अनुसंधान करते हुए, विचार करते हुए, शोधन करते हुए, भागत्याग लक्षण के द्वारा, अरे ये दो तो है नहीं, एक है। तो इसलिए अन्य की सत्ता से रहित केवल परमात्मा का एक सत्ता है, इस प्रकार एकीभूत हुआ, अभेद हुआ। कौन? वो जो मुमुक्षु योगी केवला, अरे केवली भाव को प्राप्त हो जाता है। केवल का कहते मोक्ष, केवल का बोल तो अन्य अभाव, द्वैत का अभाव, भिन्नत्व का अभाव है, केवल है। केवल का मतलब अकेला मोक्ष मात्र रहता है। तब तक जब तक भेद है, भेद दिख रहे, तब तक वो केवल ही भाव नहीं हो सकता है। क्योंकि बृहदारण्यक में भी कहा दिया है ब्रह्मतम परदात, ब्रह्म का मतलब ब्राह्मण जाति, उसको परास्त करते हैं। कौन? किसको? आत्मा से अतिरिक्त ब्राह्मण जाति का सत्ता अलग है, आत्मा का सत्ता अलग है और ब्राह्मण जाति का सत्ता अलग है, भिन्न मानता है उसको, वो ब्राह्मण जाति परास्त करेंगे। तो एक ने पूछा, अच्छा ब्राह्मण जाति परास्त करेंगे क्या, उसको लड़ेंगे क्या? ऐसा नहीं। परास्त का मतलब है
क्योंकि आप आत्मा की सत्ता से ब्राह्मणत्वादि जाति में अलग सत्ता मान रहे, तो आपको एकत्व बुद्धि नहीं होगी, भेद दर्शन है। वो भेद दर्शन है अभेद दर्शन से च्युत करेगा, यही परास्त है। आत्मदर्शन कृष्ण जो आत्मा है व्यापक, वो दर्शन होने नहीं देगा, यही परास्त। वैसे क्षत्रदम परदात, यो आत्मना अन्यत, आत्मा से अतिरिक्त यदि कोई क्षत्रिय को देखता है, क्षत्रिय का सत्ता देखता है, उसको भी वो क्षत्रिय जाति है परास्त करेंगे। उसी प्रकार वैश्य से अलग आत्मा का सत्ता मानते हैं, वो परास्त करेंगे। सर्वतम परदान, आगे बताया, यदि आत्मा से अलग जगत का सत्ता मानते हैं, सारा जगत उसको परास्त करेगा। कहने का मतलब है एकत्व बुद्धि नहीं होगा, केवल भाव नहीं होगा। इसलिए हम बता रहे, यदा सर्वाणि भूतानि स्वात्मन्नेवा स्वयं में स्वात्मन्नेवा अभिपश्यति, अभितः सर्वतः पश्यति, एकीभूता परेणासु तदा भवति केवला। हे हनुमान, तभी वो केवली भाव को, मतलब कैवल्य भाव को प्राप्त हो जाता है। मतलब यह केवली भाव का मतलब कैवल्य, पाले जीते जीते मुक्त है। जीते जीते मुक्त का मतलब क्या है? एक सत्ता देख रहे, सब मेरा ही सत्ता है, सब में भान हो रहे, मेरे से अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं, आत्मा ही है। ये जो देख रहे उपाधि से रहित हो गया, निरुपाधिक हो गया, इसलिए जीते जीते उपाधि से रहित होने से वो जीवन मुक्त है। और जब तक शरीर है, प्रारब्ध है, तब तक जीवन मुक्ति का अनुभव करेंगे, जीवन मुक्ति का आनंद लेंगे। और शरीर समाप्त हो गया, वहाँ भी केवल होता है, अर्थात विदेह मुक्ति को प्राप्त करता है। वो विदेह मुक्ति को प्राप्त करेंगे, वो भी केवल ही भाव। तो इस प्रकार राम जी ने हनुमान जी को बता दिया, हे हनुमान, इसलिए वो कूटस्थ एक व्यापक अक्षर ब्रह्म को ही चिंतन करना चाहिए, अन्य को छोड़ करके उसी का ही चिंतन करना चाहिए, यही आपको केवली भाव को प्राप्त करवाएगा, और नहीं, ये बता दें। आगे के विचार आगे करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदा विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।